नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो थकान की समस्या है, ये जो यंगस्टर्स हैं इनमें सबसे ज्यादा पाई जाती है। मेरे पास जो ये रिक्वेस्ट आई थी थकान के या कमजोरी के ऊपर वीडियो बनाने की, ये कई सारे यंग लोगों ने की है, जिसमें लड़के भी शामिल हैं और लड़कियां भी। मैं खुद अपने आप को बात बताती हूँ कि जब मैं बहुत ज्यादा यंग थी, अब तो मैं बुढ़ी हो गई हूँ, एज के हिसाब से 46 की होने वाली हूँ अगस्त में। तो जब मैं अपने 20s में थी, उस वक्त जो मेरी थकान और कमजोरी थी और चिड़चिड़ापन था, अपने चरम पे था। तो इसके पीछे की क्या वजह होती है और मैंने किस तरह से अपनी थकान और कमजोरी और चिड़चिड़ेपन को काबू किया और अब मैं एकदम फिट हूँ और मुझे अपनी समस्या से पूरी तरह से छुटकारा मिल चुका है, तो अब मैं आपको कारण बताती हूँ कि किस वजह से हमारे शरीर पे थकान, कमजोरी और चिड़चिड़ापन हावी रहता है। जब मैं अपने 20s में थी, बहुत ज्यादा टेंशन लेती थी और सच में टेंशन वाली चीजें भी थी मेरी लाइफ में। बहुत कुछ ऐसा था जो कि बहुत टेंशन भरा था, ना वो कारण मैं दूर कर सकती थी क्योंकि वो मेरी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा थे, उनसे दूर होना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। तो कारण वही के वही थे, वो कारण लगातार थे मेरी लाइफ में तनाव के, टेंशन के, और जिस वजह से तनाव मेरे ऊपर हर वक्त हावी था। तो जो हर वक्त मेरे सर में जो लगातार थॉट प्रोसेस चलता था, इस तनाव से, इस टेंशन से, इन कलेश वाली चीजों से कैसे छुटकारा पाऊं, वो जो हर वक्त ओवरबर्डन था, उस वजह से क्या होता है, मैंने आपको पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया है, जब हम ओवरथिंकिंग करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर वात बढ़ जाता है। ये वात पित्त और कफ में से जो एक तत्व है वात, तो जब वात बढ़ जाता है हमारे शरीर में, वात के बढ़ने से बहुत बहुत सारी समस्या होती है, जिनमें से सबसे बड़ी समस्या होती है खाने का अच्छी तरह से ना पचना। अगर खाना अच्छी तरह नहीं पचेगा तो जो हमारे खाने में से धातुएं बनती हैं, 7 तरह की, रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि और शुक्र, ये जो 7 धातुएं, ये 7 धातुएं ना बनके हमारे शरीर में दोष उत्पन्न करने लगता है हमारा खाना। क्योंकि जब प्रॉपर तरीके से खाना नहीं पचेगा तो जो खाना है, खाना पचने की प्रक्रिया के बाद 3 चीजें बनती है, या तो बनती है धातुएं जो हमारे शरीर को पुष्ट करती है, हमें हर तरह से फिट रखती है मेंटली, फिजिकली और इमोशनली। मल बनता है जो कि हमारे शरीर से पॉटी सुसु के रास्ते बाहर निकल जाता है, और पसीना भी बाहर निकल जाता है। तीसरे बनते हैं दोष, वो जो दोष होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर आके हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। एक तो ये दोष फैल गए हमारे ब्लड में, और ऊपर से जो हमारी 7 धातुएं पुष्ट नहीं हुई, जिनकी वजह से हम स्ट्रांग होते, उसमें कमी रह गई। तो ये जो 2 प्रोसेस है, इनकी वजह से हमारे शरीर के अंदर आती है कमजोरी। और जब कमजोरी आ जाती है, एक तो हम मेंटली बहुत ज्यादा प्रेशर में हैं, इसके ऊपर हमें घर बाहर, बच्चे, पति, फैमिली को, सबको देखना पड़ता है, ऐसे लड़कों को भी अपना ऑफिस, घर, पत्नी, बच्चे, समाज, सब कुछ देखना पड़ता है। तो वो जो ओवरबर्डन रहते हैं हमारा मानसिक और जो शारीरिक काम होता है, इसमें हम काम करने में थकान महसूस करते हैं। अब होता क्या है, हमारे अंदर कमजोरी है, ऊपर से थकान हावी हो गई, और इसके बाद जब हमारे सर पे बहुत सारी जिम्मेवारियां पड़ी होती हैं तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं क्योंकि हम मैनेज नहीं कर पाते, हमारा शरीर और हमारे जो सारे काम काज हैं वो एक दूसरे का साथ नहीं दे पाते। तो इस समस्या से मैंने अपने आप को कैसे बाहर निकाला और कैसे आप भी अपनी समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा लोगे? देखो, टेंशन और टेंशन की जो वजह है वो तो वही की वही रहनी है, वो तो टाइम से ही सुलझेंगी। और कई बार क्या होता है, जब हम शांत दिमाग से उन समस्याओं का हल निकालते हैं तो निकल जाती है, लेकिन जब हम थके हुए हैं और कमजोर हैं तो हमारा दिमाग शांत भी नहीं रहता, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। हम ना सिर्फ शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं बल्कि हम दिमागी रूप से भी कमजोर हो जाते हैं, हम गलत डिसीजन ले लेते हैं और जिस वजह से हम और ज्यादा सफर करते हैं। तो सिर्फ 2 ही उपाय मैं आपको बताऊंगी, दोनों के दोनों उपाय मैंने खुद किए हैं और अपने आप को मैं बहुत बहुत स्ट्रांग पाती हूँ
और उम्मीद करती हूँ जब आप ये उपाय करोगे तो आप भी इसी तरह मेंटली, इमोशनली और फिजिकली बिल्कुल स्ट्रांग महसूस करोगे। तो कारण तो मैंने डिस्कस कर लिया, अब इन कारण को दूर करने के लिए हमारे पास दो सबसे बड़ी चीज है। सबसे पहला है हमें बात को कंट्रोल करना है, और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास है चूना। जिस जमाने में राजीव दीक्षित जी की वीडियो भी नहीं आई थी, उस टाइम पे मैंने बुक फेयर से पेन ड्राइव टाइप की एक डिवाइस थी वो खरीदी थी। उसमें राजीव दीक्षित जी के प्रवचन थे और वो बहुत सारी सलाहें देते थे कि किस तरह से फिट रहा जाए। तो उसमें था ये एक चूने का उपाय। मैंने चूना खरीदा, चूना कौन सा था, पान वाले की दुकान पे गई और वहां से उस टाइम पे 50 पैसे का चूना आता था, एक छोटा सा पैकेट आता है। अभी मेरे पास पैकेट नहीं है पर मैंने उसको शीशी में डाला हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वही चूना है जो पनवाड़ियों की दुकान पे मिलता है। 3 पैकेट लेके आई थी मैं, छोटे छोटे पाउच आते हैं वो पान पे लगा के ग्राहकों को देते हैं पनवाड़ी लोग। तो मैंने ये कांच की बोतल में निकाल के रख लिया था, अभी मैं अपने बेटे को दे रही हूँ क्योंकि हाइट बढ़ने में भी बहुत मदद करता है। कैसे मदद करता है ये किसी वीडियो में मैं बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। तो मैंने जो पहला उपाय किया वो था चूना। इसको लेना कैसे है, मैं इसे क्या करती थी, दही की पिलोती थी लस्सी, एक पार्ट दही और दो पार्ट पानी। एक गिलास लस्सी के अंदर एक छोटा सा, ये समझ लो कि चने के दाने से भी आधा, गेहूं के दाने के बराबर मोटा जो गेहूं का दाना होता है उतना उसको घोल लेती थी और उसके बाद उसे पी लेती थी। रोज सुबह खाली पेट मैं ये पीती थी। एक बार मैं विपासना करने गई हुई थी, 10 डेज का कोर्स था, तो वहां पे मौन रहते हैं, एक लड़की मुझे हर रोज देखती थी, आखिर के दिन वहां पे बोलना अलाउड होता है। तो उस लड़की ने पूछा, दीदी आप ये क्या ड्रग्स लेते हो हर रोज? मैंने उसे समझाया कि भाई ये चूना है और इसके बहुत फायदे हैं। तो पहला उपाय तो था ये, और दूसरा उपाय था मैंने चमनप्राश लिया। चमनप्राश में आंवला होता है और इसी के साथ ही साथ बहुत सारी, वैसे तो चमन बोला जाता है कि चमन तरह की औषधियां होती हैं, लेकिन कंपनियां अगर उससे आधा भी डालती हैं तो भी बहुत सारी औषधियां होती हैं जिनसे हमारे शरीर को ताकत मिलती है, और ना ही शरीर को बल्कि हमारे दिमाग को भी ताकत मिलती है। मैंने एक बड़ा चम्मच चमनप्राश लेना शुरू किया, बस ये दो चीजें की और मुश्किल से मुझे लेते हुए 2-3 हफ्ते हुए थे। मुझे खुद को ही इतना हल्कापन फील होने लगा था, कहाँ हर वक्त मेरा दिमाग भारी रहता था, मेरा पूरा शरीर भारी रहता था, बस दिल करता था लेटे रहो उठू ना। थोड़ा सा काम किया बैक में पेन होना शुरू हो गया, जरा सा काम किया कंधों में दर्द होना शुरू हो गया, गर्दन दुखती रहती थी। मैं लोगों से बोलती थी कि मेरे को तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी, मेरे तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सर दुखता था, कंधे दुखते थे, तो बस मुझे ये लग गया कि मेरे को तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। तो ये दो उपाय मैंने किए, चूना लेना शुरू किया खाली पेट लस्सी के साथ, और दूसरा मैंने रात को सोते टाइम बड़ा चम्मच चमनप्राश दूध के साथ लेना शुरू किया। पहले चमनप्राश खा लिया, उसके ऊपर गरम गरम दूध पिया। हल्दी जरूर मिक्स कर लेती हूँ मैं हमेशा ही, अगर गर्मी आए तो 1 या 2 चुटकी हल्दी डाल लेती हूँ, लेकिन अगर सर्दी आए तो आधा चम्मच मैं जो हल्दी है वो दूध में उबाल लेती हूँ। दूध में जब उबाल आ जाता है उसके बाद मैं सिम कर देती हूँ और 5-7 मिनट उसे पकने देती हूँ। तो मैं ये लेने लगी और इसके बाद जो मेरा काया पलट हुआ है, मेरी जिंदगी से थकान नाम की तो चीज ही चली गई। और पहले तो क्या होता था, मैं बीमार भी बहुत पड़ती थी, मुझे हर 2-3 महीने में बुखार जरूर आ जाता था, और अब मुझे कई साल हो गए हैं कोई बुखार नहीं, कोई सर दर्द नहीं, कोई थकान नहीं, कोई कमजोरी नहीं। उस वक्त मेरा फेस भी इतना डल रहता था और इतना दुनिया भर का मैं पता नहीं क्या क्या लगाती थी अपने फेस पे, फेशियल कराती थी रेगुलर, लेकिन कुछ असर नहीं था, क्योंकि अब थकान नहीं है, कमजोरी नहीं है, शरीर अंदर से फिट है, तो वो मेरी स्किन पे कुछ भी नहीं कराती अब मैं, और फिर भी स्किन हेल्दी है और ग्लोइंग है। अभी मेरे फेस पे कुछ भी नहीं लगा हुआ, कुछ भी नहीं लगा हुआ, बिल्कुल एकदम खाली मेरा फेस है, मैं कभी भी कुछ नहीं लगाती। तो मुझे उम्मीद है आप भी ये उपाय करोगे और अपनी ये थकान, कमजोरी और चिड़चिड़ेपन की समस्या को हमेशा के लिए अपने आप से दूर कर लोगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा देना, जिससे कि काम की वीडियो आपको जरूर मिलती रहे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी, और साथ ही सजेशन भी दे सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आपके टॉपिक पे वीडियो जरूर बनेगी। मिलती हूँ नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।